आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से अरबी के पत्तों की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 गड्डियाँ अरबी के पत्तों की ली है। एक गड्डी में तकरीबन 4 से 5 पत्ते थे। तो ये मैंने पत्तों को धोकर एंड उनकी ये जो डंडियाँ थी उनको निकाल कर एकदम तैयार कर लिया है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही सारे पत्तों की मैंने डंडियाँ अलग कर ली हैं। तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब बेसन ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने हमारे बेसन में पानी ऐड किया है। हमें एक थिक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं करना कि वो बिल्कुल ही लिक्विड ही हो जाए एंड पत्तों पे से गिरने लगे। तो थोड़ा थिक सा पेस्ट हमको उसका तैयार करना है। देख सकते हैं, मैंने बोला था कि हमें ज़्यादा पतला पेस्ट तैयार नहीं करना। तो यहाँ पर मैंने ठीक ठीक कंसिस्टेंसी में पेस्ट तैयार कर लिया है ताकि ये हमारे पत्तों पे अच्छे से लग जाए। एंड अब इसमें मैं कुछ ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पेस्ट तैयार था। इसमें मैंने 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड करी है। एंड अब मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून के करीब यहाँ नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ। एंड इसके अलावा मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड करूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर दिया है। एंड इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये पेस्ट हमारा तैयार था। अब मैं एक पत्ता लूँगी एंड उसके ऊपर ऐसे मैं अपना पेस्ट लगा लूँगी। आप किसी भी साइड लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस के हिसाब से है। हम लोग आगे की साइड यहाँ पर लगा रहे हैं। कोशिश करूँगी सारे एंड्स पे मेरा जो पेस्ट है वो अच्छे से लग जाए। एंड इस पे अब मैं एक दूसरा पत्ता रख कर उस पे भी ऐसे ही अपना जो पेस्ट है हम मैं लगा लूँगी। कोशिश करूँगी कि सारे एंड्स पे अच्छे से पेस्ट लग जाए। एंड कंसिस्टेंसी मैं इसीलिए आपसे कह रही थी कि थोड़ा सा थिक रखेंगे, अगर लिक्विड रखेंगे तो वो पत्ते के ऊपर नहीं रुकेगा। इसके ऊपर मैंने एक और पत्ता लगा दिया है। सारे एंड्स को मैं कवर कर लूँगी इसके एंड अब मैं इसको फोल्ड करूँगी। सारे पत्ते मैं हमारे ऐसे ही लेयरिंग के साथ तैयार कर लूँगी। तो एक पैन में पानी लेकर मैंने उसमें स्टैंड सेट करके उनके ऊपर मैं अपने पत्तों को एडजस्ट कर रही हूँ एंड स्टीम से हम अपने पत्तों को कुक करेंगे। तो यहाँ पे मैं जितने भी पत्ते मैंने तैयार किए हैं उनको सेट करके स्टीम दे दूँगी। तो पत्ते हमारे स्टीम हो गए थे, तो अब मैं इनको ऐसे पीसेस में कट कर लूँगी। एंड चलिए अब हम अपनी ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। हमारा तेल गरम होता है तो इसमें मैं 2 टीस्पून ये ज़ीरा एंड 2 लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। तेल गरम हो गया था तो उसमें मैंने ज़ीरा और लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसके अलावा मैंने 1 पिंच हींग का भी ऐड किया है एंड उसके अलावा मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसे बारीक चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। प्याज को मैं हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करूंगी। प्याज हल्की गुलाबी होती है एंड इसको कच्चापन दूर होता है, तो हम उसमें हमारी जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी ऐड करूंगी। तो प्याज हमारी गुलाबी हो गई है। अब मैं इसमें जो है 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी एंड 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की मैंने प्यूरी तैयार कर रही थी तो अब मैं इसमें वो भी ऐड कर दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने प्यूरी ऐड कर दी थी एंड अब इसके अलावा कुछ और ड्राई स्पाइसेस भी मैं इसमें ऐड करूँगी तो मैं वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड किया है टेस्ट के हिसाब से। इसके अलावा इसमें 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है
एंड 1/4 टीस्पून इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी जो ग्रेवी है उसको अच्छा सा कलर मिल जाए। एंड उसके अलावा 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है एंड 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ऐड करी है एंड 1/4 टीस्पून ही इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ एंड 1/4 टीस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला भी ऐड किया है। एंड इसके अलावा लास्ट में मैं 1/4 टीस्पून में काली मिर्च भी ऐड कर दूंगी। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, बट उससे हमारे जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इन सारी ड्राई स्पाइसेस को मैं मिक्स करके जो हमारी ग्रेवी है उसको अच्छे से मैं भून लूँगी। एंड अब मैं मसाले हमारे नीचे लगे ना भूनते टाइम, इसलिए मैं हल्का सा उसमें पानी भी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन आधी कटोरी के करीब मैंने पानी ऐड किया है एंड हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर कर मैं हमारी जो ग्रेवी है उसको भूनने के लिए रख दूँगी। एंड तब तक हमारे जो पत्ते थे जो मैंने स्टीम करे थे मैं उनको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ एक पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था एंड उसमें जो हमारे पत्ते हैं अब मैं उनको फ्राई कर लूँगी। पत्तों को मुझे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस उनका कलर चेंज होना लगे लाइट सा तब मैं उनको निकाल लूँगी। हमें इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे जो पत्ते हैं वो फ्राई हो चुके थे एंड हल्की गैस पे मैंने लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया था ताकि वो क्रिस्पी से रहें। तो देखिए यहाँ पे हमारी ग्रेवी तैयार है, तेल लूज़ आउट हो रहा है। अब मैं इसमें हमारे जो पत्ते मैंने फ्राई किए थे वो ऐड कर दिए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड इनको अब मैं 3 से 4 मिनट के लिए सिंपल छोड़ दूंगी ताकि जो हमारे पत्ते हैं उसमें हमारी ग्रेवी का अच्छे से टेस्ट आ जाए, सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ दूंगी। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, पत्ते हमारे तैयार हैं। तो चलिए जी अब इसको डिश आउट करते हैं।